अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल केडिको। सो टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम फॉर यू। यू कैन से अ गेम, यू कैन से एन एक्टिविटी। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द कंसंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन लेवल ऑफ योर चाइल्ड्स माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन सी के आई हैव अरेंज सम कार्ड शीट्स। मेरे पास कुछ कार्ड शीट्स हैं जिनको मैंने लेवल वाइज अरेंज करके रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा 3-3.5 साल का है तो आप जो है इस गेम को 3 बॉक्सेस से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग लेवल में 2 बॉक्सेस से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। विच कलर इज़ प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस। अब आपने 2 बॉक्सेस बना लिए या आपने 3 बॉक्सेस बना लिए, उसमें आपने 2 से 3 तरह के कलर लेने हैं। आप कलर्स ले सकते हैं, आप स्टिकर्स ले सकते हैं, आप मार्कर कलर से फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टिकर्स लिए हैं तो मैं इसी के साथ स्टार्ट करूँगी। उसके बाद आपने अपने बच्चे से कहना है कि बेटे यू हैव टू फाइंड द कॉमन कलर विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस। आपका बच्चा जो है उसको फ़ौरन से जवाब नहीं दे पाएगा। ये बड़ों के लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चों के लिए इस चीज़ को ढूंढना उतना आसान नहीं होता। इससे ये होगा कि आपका बच्चा जो है 2 से 3 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करेगा और वह ढूँढेगा कि कौन सा कलर है जो 3 बॉक्सेस में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें तो आपने सबसे पहले बच्चे को इस तरह से कहना है, ओके बेटे लेट्स फाइंड, ओके द ग्रीन कलर इज़ प्रेजेंट हेयर, हेयर देर इज़ नो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इज़ प्रेजेंट हेयर, सो इट्स मीन ग्रीन कलर इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस। इसी तरह से आपने फिर इस कलर के बारे में बात करनी है कि बेटे सी द स्काई ब्लू कलर इज़ प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस, नो इट्स नॉट। वन बाय वन आपने सारे कलर्स पे बच्चे से कॉन्सेंट्रेट करवाना है। उसके बाद आपका बच्चा इस काबिल हो जाएगा। जब आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि येस ऑरेंज इज़ द कॉमन कलर, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस। उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है। आप 3 बॉक्सेस के बाद आप 4 बॉक्सेस पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और हेयर इज़ द क्वेश्चन, विच नंबर इज़ प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस। ओके हेयर यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। ओके बेटे लेट्स सी, द नंबर 4 इज़ प्रेजेंट हेयर, द नंबर 4 इज़ नॉट हेयर, नंबर 4 इज़ हेयर एंड हेयर। वी विल मूव नाउ टू नंबर 3, देन यू विल फाइंड नंबर 3 इज़ हेयर, 3 इज़ हेयर, 3 इज़ हेयर एंड 3 इज हेयर। यस इट्स मीन नंबर 3 इज द कॉमन कलर। इसी तरह से आपका बच्चा अगर एज वाइज बड़ा है, 4 से 5 साल का है, 6 साल का है, तो आप उसी के लिहाज से आप जो है वो बॉक्सेस को बढ़ा सकते हैं। आप 4 से 6 बॉक्सेस भी बना सकते हैं, आप 6 से ज़्यादा बॉक्सेस भी बढ़ा सकते हैं, जितना आपके बच्चे का एज लेवल है उसके अकॉर्डिंग। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को एक टाइमर दें कि ओके बेटे आपको मैं 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, आपने 10 मिनट्स में से इसमें से कॉमन अल्फ़ाबेट ढूंढना है। ओके द क्वेश्चन इज़ विच अल्फ़ाबेट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस। अब आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ज़हन पे जोर देगा, वो उस पर कॉन्सनट्रेट करेगा और वो ऑब्ज़र्व करेगा कि कौन सा लेटर जो है वो सारे बॉक्सेस में है। जितने ज़्यादा आपके बॉक्सेस होते जाएंगे, आपका बच्चा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होता जाएगा। अब मैं आपको शीट बनाना सिखाऊंगी। आपने कोई सा भी खाली पेपर ले लेना है। उसके बाद आपने पहले बॉक्सेस बनाने हैं। मैं इसको 2 बॉक्सेस से स्टार्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 बॉक्सेस से स्टार्ट कर लें। मैंने अल्फ़ाबेट्स पे बात की है, मैंने नंबर्स पे बात की है, मैं यहाँ पे फ्रूट्स भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे शेप्स भी ड्रॉ कर सकती हूँ। सो इस तरीके से अगर आप नंबर्स पे बना रहे हैं तो आपके बच्चे जो है उसमें नंबर रिकॉग्निशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप अल्फ़ाबेट्स पे बात कर रहे हैं तो आपके बच्चे में अल्फ़ाबेट जो है उसकी रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो हम लोग अब शेप्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्कल इज़ हेयर एंड 1 सर्कल इज़ हेयर। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये गेम बनाते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने जब भी शेप्स बनानी है, या आप नंबर्स बना रहे हैं, या आप हरूफ तहजी पर भी कर सकते हैं, आप हरूफ तहजी बना रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। ऐसा ये होगा कि आपका बच्चा जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं होगा और आपका बच्चा जो है वो फिर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएगा।
तो आपने अगर एक बॉक्स में उसकी डायरेक्शन इस साइड पर रखी है तो आपने दूसरे बॉक्स में उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। ओके, ये मैंने दो बॉक्सेस बनाए हैं। अब इसमें आपने बच्चे से पूछना है कि व्हाट इज द कॉमन शेप हेयर। बच्चा पहले ढूंढेगा सर्कल इज हेयर एंड सर्कल इज हेयर इज द कॉमन शेप। इसी तरह से आप स्क्वायर को स्क्वायर ढूंढने को कहेंगे तो बच्चा जो है पहले एक बॉक्स में स्क्वायर को ढूंढेगा, उसके बाद बच्चा दूसरे बॉक्स में स्क्वायर को ढूंढेगा तो स्क्वायर दूसरे बॉक्स में मौजूद नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अगर बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहते हैं तो आप एक बॉक्स के अंदर दो कॉमन कलर्स, दो कॉमन शेप्स या दो कॉमन लेटर्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो कॉमन शेप्स डाली हैं, सर्कल एंड ट्राइंगल। तो इस तरीके से बच्चा जो है सर्कल को फाइंड करेगा और बच्चा जो है नीचे अपना आंसर लिखेगा कि सर्कल इज द कॉमन कलर। उसके बाद स्टार को ढूंढेगा, स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ट्राइंगल यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। सो इट्स मीन ट्राइंगल इज ऑल्सो अ कॉमन कलर। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। Bye-bye.